गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाटेस्ट अपडेट आपण मैं एसीस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आसीगला रेगुलर ऑर्डर जो रेगुलर मेमो कथा आम कहते से ऑर्डर आसी वर्तमान से माने भी रेगुलर सैलरी पाइबे। बट क्वेश्चन या कि एमती ऑर्डर आसीगले जे सांगे सांगे से माने गवर्नमेंट रु पूरा फुल सैलरी जोटा कि रेगुलर सैलरी पाइबे सेमती नहीं। ग्रुप बी सी डी ए तीनटा ग्रुप रो एम्प्लॉई माने वर्तमान रेगुलर हेबे, किंतु किछि डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा मगा जाइछि जोड़ाक सबमिट करा पड़ फर्म सहित सेंड करा पड़ो। तापर से लिखे आपन एलिजिबल कि ना, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स आवश्यक से मूँ पठाइब पड़ो। तापर जाने रेगुलर बोली आम काउंट हाँ देन आमको रेगुलर सैलरी मिल। तो देखो टोटाल कौन अच्छे सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एस टी एंड एस सी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्री टुकु बारिक जॉइंट डायरेक्टर यहाँ 4 तारीख चिठी मैंने गत काल। सब्जेक्ट कौन इनफर्मेशन ऑन कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉज अंडर ग्रुप बी सी डी हु आर एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन भाइड जी एंड पीजी नोटिफिकेशन एति प्रिपेरेशन रि 2022-23 रिगार्डिंग है। तो इनफर्मेशन मांगी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉज मान जो मैंने बी सी डी ग्रुप चाकरी करलीजिबल होती कि ना रेगुलराइजेशन। तो कौन कहते कि फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हाव इंटीमेटेड फॉर प्रिपेरेशन ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर 2022-23 एंड बजेट एस्टिमेट्स 2023-24। मुझे आगे गोटे वीडियो बनई थी 2023-24 बजेट में ही डॉक्यूमेंट्स मांगुन ये कि टोटाल केते रेगुलर दरमा दे टोटाल केते पैसा आमर खर्च हम पूरा ओडिशा। तो सीटा बजेट ही कैलकुलेशन होगा दरकार ना, बजेट पास हेले जाम सैलरी देपर। तो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज अंडर ग्रुप बी सी डी हु आर एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन 16-10-2022 फॉर प्रिपेरेशन ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट। तम 16-10 रे ए सब जिन अनाउंसमेंट होता 15 अनाउंसमेंट होता 16 आम कार्यकारी कर भावुले। तो सी है तो द इनफर्मेशन शैल रीच टू दिस डिपार्टमेंट ऑन और बिफोर 10 नवेम्बर। 10 नवेम्बर आगु से डिपार्टमेंट जहाँ भी मागिंट रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स इनफॉर्मेशन को मानकर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय मानकर सेटा पहुंचबा निहाती जरूरी 10 नवंबर भितर। एंड दिस मे बी ट्रीटेड एज अर्जेंट, बहुत अर्जेंटली से रिक्वायर करछन कहीं ना एठर जना पड़ियो से माने भी बहुत फास्ट अछन्दि रेगुलर सैलरी सैंक्शन करे कि समस्त दबा पाई। ओके तो एटा होछि आपनकर टेबुलेशन रा एई इनफॉर्मेशन से मानको दरकार। इनफॉर्मेशन ऑन कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अंडर ग्रुप बी सी डी हु आर एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन गला। आपण ये कौन करेंगे आश्रम स्कूल एस्टाब्लीश्ड जो मैंने बी सी डी सैंक्शन स्ट्रेंथ वैकेंसी आंटीसीपेटेड वैकेंसी टोटल वैकेंसी आंटीसीपेटेड मेन इन पोजिशन एंड वैकेंसी लाइकली टू फिल अप ड्यू टू रिटायरमेंट आंटीसीपेटेड मेन इन पोजिशन फर हुम बजेट विजन इज। तो यहाँ गला हाईस्कल हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेनिंग स्कूल EMRS एंड प्रे। तो सब स्कूल डिटेल्स यही फर्माट्रे आमको पठाइब पड़ो। आप जो स्कूल होते आप रोटा से कलम गुड़ा केवल फिलअप करें पठेबा है। ये तो 5टा स्कूल डाटा देखिए मैं 5 प्रकार विद्यालय ग्रुप बी सी डी पोस्ट लोक मैंने चाकरी कर एम्प्लॉई मैंने। तो से डॉक्यूमेंट से आवश्यक। तो यहाँ हूँ इनफर्मेशन टा या पर मुझे कहबी कौन कौन आवश्यक आपको पठाईपाई एबू रेडी कर रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहि जॉइनिंग ऑर्डर जॉइनिंग लेटर आपण मानकर यहाँ निहाती जरूरी। आउ कौ डेट आप जॉइन करते से इनफर्मेसन भी तरह दरकार है। तो ये फर्माट लिखाई यहाँ आउ गोटे देखो कैलकुलेशन ऑफ पे डीए एचआर फॉर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हेटा गला इनफर्मेसन आपड़ देते केते एम्प्लॉइज अच्छा के रिटायर्ड हे कौन घटना एबे जोटा अच्छे ये जो टेबुलटा मुझे देखा एटी जो स्कूल आपड़े से स्कूल ले जो टीचर ना देते टोटल से जन कंट्राक्चुअल मानकर पे केते मिसिकी डीए केते एचआर केते आरसीएम केते ओए केते आउ एरियर पे केते। एरियर पेटा बुझे दूसरे जो मैंने सैलरी पाइले किंतु फुल रेगुलर रे पाइन जो 16 अक्टोबर रु ये होगा बर्तमान 5 नवेम्बर एत दिन जो एरियर पैसाटा से कैलकुलेसन करेंगे लिखा हे एंड सेवर्त मुहूर्त गवर्नमेंट आपको
देबे तो सेति पई एरियर पे भी एठी कैलकुलेशन हबो टोटल जति कि कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज आपन स्कूल ले अछन बा इंस्टिट्यूट रे अछन समस्त हमर हिसाब कर के मिसे के ऐड कर के एट लिखा हबो सेम सब स्कूल अछि आश्रम स्कूल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी देन आपन जेंचन ईएमआरएस ये सब जाक ए फॉर्मेट रे ही पठे पड़ो फास्ट जो टेबल टाइम आपन देखिले टाइम थिला इनफॉरमेशन एटा होछ आपनर पे डीए एचआर सब मिसिकी केते एस्टिमेशन होछ आपनकर पैसा तो सेमती जितना स्कूल थे ऑल ओडिशा रे तो सेमती सब थरो डॉक्यूमेंट्स जीवो कैलकुलेशन हो तापर फाइनेंस जाए कि पास हो पाई बिलटा जीवो देन पास हो गले 2023-24 बजट जो नेक्स्ट ईयर पाई समान पर रेडी है कि पैसा रहिला तंग हाथ रे तो समान का केते पठेबे तो सब ठीक ठाक फाइनल हो जीवो बुझेल तो आपण गोटे काम करूँ यह लेटर आपण मैं स्कूल हेडमास्टर जी अच्छा पाखु आसी ना कनफर्म हूँ एंड जदि आसान कहतु कि 10 नवेम्बर भितर आमको डॉक्यूमेंट सब पठेबार अच्छे तो आज 5 हो गला पुणी आज सटरडे कल छुट्टी अच्छी तो 6 तारीख भी नष्ट गला 7 गला 8 छुट्टी अच्छे तो आप 7-9 यही दुटा डेट आप हाथ में अच्छे आपको ये डॉक्यूमेंट सब रेडी कर पठेबापी जदि बेहतर हम आप आज ही ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर पठेबा व्यवस्था कर दिंतु ताले इट विल बी बेटर फॉर यू जल्दी जल्दी आपण काम ही प्रोसेसिंग फास्टर हम ये इनफर्मेशन दैट्स ऑल थैंक यू।